मैं अब समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नागपाल जी की मांग है और मेरी कोई भी इच्छा है कि जिस तरह की वो करता है या दे रहे हैं, और कैसे छूटे के वो हर साल नहीं आए हैं। मेरे प्रिय, मेरे छोटे भाई हैं और अजीज हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उनको सुने। स्वागत है। अरे सभी लोग आगे आ जाए जितने भी यहाँ। अब ये तो मुझे पता नहीं, मुझसे कह रहे थे तुम्हारी फरमाइश है दोबारा सुना दो, अब मुझे पता नहीं फरमाइश दी नहीं थी, ये मुझे जबरदस्ती गोलू में पेल रहे। चलो लाओ, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा फरमाइश नहीं होती तो ये चले गए होते। हाँ सर, ये तो संविधान जलाएगा तो मैंने गीत लिखा, मैं संविधान पर एक गीत सुनाता हूँ कि संविधान क्या कहता है। अब आप समझिए कि संविधान आपसे बात कर रहा है, और संविधान क्या कह रहा है। संविधान 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 जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। कौन है संविधान जलाने वाले? एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। जब भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। अगर हम राहुल को राहुल कहेंगे तो अच्छा लगेगा, राहुल को मुकुल कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग भारत को हिंदुस्तान कहते हैं वो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भारतीय संविधान को नहीं मानते, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए है ही नहीं। हिंदू बोलो तो हिंदू में रहने का स्थान, फिर हम कहां जाएंगे? तो इसलिए इस देश हिंदुस्तान में भारत है। तब मैं कहता हूं कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। मुक्का शुरू है, अंदर सुनिए। संविधान क्या कहता है कि मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई, मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई, जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई, जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई, मैं जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई, ये शोषित पीड़ित मजदूरों की आवाज दबाने वाले हैं, संविधान 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 जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। क्या कहता संविधान? मैं भगत सिंह की भाषा, मैं ऊधम का बलिदान। मैं भगत सिंह की भाषा, मैं भगत सिंह की भाषा, मैं ऊधम का बलिदान, मैं बुद्ध की ज्ञान साधना, मैं भीम राव का ज्ञान, मैं बुद्ध की ध्यान साधना, मैं भीम राव का ज्ञान, ये नाथू राम गोडसे को भगवान बताने वाले हैं, संविधान संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग। संविधान कैसा है कि मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग, 100 के संग एक लड़ा दूं गुरु गोविंद सिंह के बाज, 100 के संग एक लड़ा दूं गुरु गोविंद सिंह के बाज, ये नरक स्वर्ग पाखंडों की, ये नरक स्वर्ग पाखंडों की भेवाद दिखाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। ये नरक स्वर्ग वाला, मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग, मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग, 100 के संग एक लड़ा दूं गुरु गोविंद सिंह के बाज, 100 के संग एक लड़ा दूं गुरु गोविंद सिंह के बाज, ये नरक स्वर्ग पाखंडों का सब, ये नरक स्वर्ग पाखंडों का सब जाल बिछाने वाले हैं, संविधान संविधान जलाने वाले हैं, संविधान
जलाने वाले हैं। अंतिम पंक्ति सुरेश जी की, मैं समता मैत्री करुणा, मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूँ, मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूँ, मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूँ, मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूँ। ये जात पात मजहब पर, ये जात पात मजहब पर सब खून बहाने वाले हैं संविधान, संविधान जलाने वाले हैं संविधान, जलाने वाले हैं संविधान, जलाने वाले हैं संविधान, जलाने वाले हैं। छोटा सा गीत। और मानवर साहब कांसीराम का जो जीवन का संघर्ष रहा, बहुत सारे लोगों ने लोकगीत उन पर बहुत ज्यादा लिखे, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उन पर कोई ऐसी कविता नहीं लिखी गई जिसको साहित्य में मतलब ये कहा जा सके है साहित्य दृष्टि से कविता है। बड़े साहित्यकार मित्र साहब बैठे, हमारे कवियों में एक नवगीत की विधा होती है, मैंने कोशिश की साहब एक नवगीत की विधा में मानव साहब कांसीराम पर एक छोटा सा गीत लिखा जा सके, तो मैंने साहब कांसीराम के जीवन संघर्ष को छूने की कोशिश की है इस गीत में, और मैं आपका पहली बार गीत को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नया गीत है, अब देखता हूँ आप लोग कैसा सुनाने बजाने वालों। जिनके तारणों महकी है, जिनके कारणों महकी है अपनी सुबहों शाम जी, जिनके कारणों महकी है अपनी सुबहों शाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम। जिनके कारणों महकी है अपनी सुबहों शाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम जी। के टुकड़ों में बिखरा समाज, 6743 जातियों में बिखरा बहुजन समाज, मानव साहब साहब ने सपना देखा इसको इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाऊंगा। के टुकड़ों में बिखरा समाज लड़ता आपस में रहा, के टुकड़ों में बिखरा समाज लड़ता आपस में रहा, और दुश्मनों की चाल से मरता आपस में रहा, सबको इकट्ठा कर गए, सबको इकट्ठा कर गए, और जो छोड़ आए गाम जी, सबको इकट्ठा कर गए, और वो छोड़ आए गाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम जी। जिनके कारण महकी है अपनी सुबहों शाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम जी। क्या कह रहे, क्या कह रहे, साइकिल उठाकर चल दिए। आज हमारे पास में बस्ता के पास में 450 से ज्यादा फोर व्हीलर है, क्या बात, हम लोग सरकार नहीं बचा पाए, और मानवर साहब कांसीराम ने एक साइकिल से आपको मुख्यमंत्री बना दिया, ये थे मानवर साहब कि साइकिल उठाकर चल दिए, आंख में सपने सजा, और देश पर हो राज कैसे मन में था इतना बसा, कि साइकिल उठाकर चल दिए, आंख में सपने सजा, और देश पर हो राज कैसे मन में था इतना बसा, और बहता था खून पैर से, बहता था खून पैर से, मिल न पाई बाम जी, और वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसीराम जी। के लौट करके घर वो अपने, के लौट करके घर वो अपने, देखूं कभी भी ना गए, और बेटे की याद में दोनों माँ पिताजी मर गए। के लौट करके घर वो अपने, देखूं कभी भी ना गए, और बेटे की याद में दोनों माँ पिताजी मर गए। दुश्मनों से लड़ते रहे, दुश्मनों से लड़ते रहे,
ना मिला आराम जी, और वो मसीहा है सुनो साहब कंसी राम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कंसी राम जी, जिनके कारण महती है अपनी सुबह शाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कंसी राम जी। अंतिम कृष्ण जी की नेताओं की फौज पूरी, माने बस आप कांसीराम कहते थे मैं इतने नेता बना के जाऊंगा कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग खरीदते खरीदते थक जाएंगे। आज तक हमारी नर्सरी पे हैं, जो बसपा की नर्सरी में पैदा हो गए वही लोग बैठे दूसरी पार्टियों में। ये बात अलग है कि हमने लोग भगा दिए, नए बनाए नहीं, तो आज हम अकेले पड़े, ये हमारी कमियां हैं। कि नेताओं की फौज पूरी देखो बना कर छोड़ दी, और देश की राजनीति में छाप गहरी छोड़ दी, के देश की राजनीति में छाप गहरी छोड़ दी। राहुल लिखूं क्या और ज्यादा, राहुल लिखूं क्या और ज्यादा, जग में बड़ा है नाम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी, वो मसीहा है सुनो साहब कांसी राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा दूसरे राउंड में आपको छोटी छोटी दो कविता सुनाई, अगर आपको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।